ओम तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि ग्रन्थिये भुरिदा जनाः। भगवान श्री राम कृष्ण का अंतिम जो पीड़ा हुआ था उसका कारण श्री राम कृष्ण स्वयं पूछ रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। तो दो कारण का उत्तर तो हम लोग चर्चा किए हैं। एक है औरों को सिखाने के लिए, कैसे व्याधि होने से हम उसका मुकाबला करें। दूसरा है प्रारब्ध खंडन, औरों को पाप ग्रहण करके अपने शरीर से उसको प्रायश्चित करना। स्वयं कहा करते थे गिरिशेर पापी यही व्याधि। सो सारे जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं अपने जीवन में कष्ट झेलते हैं। लेकिन इसका एक अन्यतम तृतीय गुरुत्वपूर्ण कारण है अंतरंग बचाई। जो भावी संघ का स्थापन करेंगे उसके लिए उनका भी रिक्रूटमेंट चालू हो गया। कौन ये भावी संघ का परिचालना करेंगे और अंतरंग बचाई, अर्थात श्री रामकृष्ण के भावधारा आगे बढ़ाने के लिए उनके भावी उत्तराधिकार कौन होगा। हु विल बियर द टॉर्च लाइटेड बाई हिम आफ्टर हिज डिपार्चर। एक तो स्वामी विवेकानंद को चिन्हित किया था, लेकिन उसके साथ साथ उनके हाथ मजबूत करने के लिए और भी सहकर्मियाँ चाहिए। उसका जो निर्वाचन, ये निर्वाचन का प्रक्रिया है उनका व्याधि ग्रहण। पहले तो श्री रामकृष्ण के बारे में कोई जानते नहीं थे। केशव चंद्र सेन उनका महात्मा देखते हुए उनके पत्रिका माध्यम से, उनके वक्तृता के माध्यम से, व्यक्तिगत आलापचारित्र के माध्यम से श्री रामकृष्ण की इतना तारीफ करते हुए सर्वजन समक्ष प्रस्तुत किया। वस्तुतः केशव चंद्र सेन का प्रचार से ही श्री रामकृष्ण का नाम इतना चारों फैल गया। नहीं तो ना स्वप्रचार में कोई उनका आग्रह था, ना कोई जानते थे। कारण कलकत्ता के दूर में एक देवालय में कोई व्यक्ति पूजा कर रहे, उसके बारे में कौन खोज रखे। केशव चंद्र देख के, उनका व्यक्तिगत जीवन देखकर मुक्त कंठ में घोषणा किया एवं अपने पावरफुल राइटिंग में खुलाम घोषणा किया, जैसे व्यक्ति ये अनूठा है, सबके इसको संगत करना चाहिए। ये सुनते ही पढ़ते ही सब आदमी धीरे धीरे आने लगा। जब आने लगा तब श्री रामकृष्ण के पास जो आया, अनेक किस्म का व्यक्ति थे एवं ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति कोई मतलब से आया। इसे होता है दुनिया में, सब कोई कोई मतलब से काम करते हैं। संतों के पास भी जाते हैं, कोई मतलब लेकर ही जाते हैं, कुछ पाने के लिए जाते हैं। जो साधारणतः विचार है कि संतों का कुछ
प्रणामी चढ़ा दिया जाए एवं अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए कम से कम निवेदन कर दिया जाए। कोई कोई तो ये आवेदन पत्र लेके ही आते हैं। तो अभी ऐसी अवस्था में जो ठाकुर के जीवन या अभी अंतिम समय में वो देख रहे हैं से झड़ाई बचाई का जरूरत है। इट इज़ नेसेसरी टू वीड ऑफ द अननेसेसरी पीपल। उनके जो आरब्ध कर्म जो करेंगे वो वही होगा जिसका जीवन ईश्वर में समर्पित, त्याग के मंत्र में दीक्षित एवं सेवा के लिए नियोजित। ये तीन चीज़ होना चाहिए। दे मस्ट बी एस्पायरिंग फॉर गॉड, दे मस्ट एम्ब्रेस रिनाउंसिएशन एंड दे मस्ट एग्री टू वर्क फॉर अदर्स। ये तीनों बिंदु पर जिसको सहमति है वही श्री राम कृष्ण का अनुगामी हो सकता है। इसको सिलेक्शन कैसे किया जाए? सभी तो बोलते हैं हाँ हम कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आखिर में जब समय होता है तब तो भग जाता है। इसीलिए लगता है नितान्त अनिच्छ सत्यो ठाकुर विषण परीक्षा का सम्मुखीन हुआ ताकि उनके अंतरांग पार्षद बिंद अलग हो जाए। उनका ये जो उनका जो बीमारी वो उनका गृह भक्त एवं सन्यासी भक्त त्यागी भक्त दोनों को ही विचलित कर दिया था। दोनों ही उनको सेवा करने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन श्री रामकृष्ण को सेवा में जो त्यागी भक्तगण आत्मत्याग का निदर्शन दिया वो अनूठा है। इन लोग अपना सारे सुख विश्राम सब कुछ गुरु सेवा के लिए जलांजलि दिया और इस अवसर पर श्री रामकृष्ण भी उनको अंतिम शिक्षा देने के लिए आपने जीवन को सरोवर कर दिया। कोई विश्रम नहीं है। नरेंद्रनाथ को साथ एकांत अलपचरिता में अनेक उपदेश अनेक परामर्श दे रहे हैं। जाने का समय हो गया ताकि उनके जाने के बाद उनका आरब्ध कर्म पूरा हो सके। हिज मिशन मे बी फुलफिल्ड थ्रू दिस यंग बैंड ऑफ हिज फॉलोअर्स। इसके साथ साथ गृह भक्तगण को भी उत्साहवर्धन करना, उनको उपदेश देना भी उनका फर्ज था। तो मुख्यतः उनका जो जीवन का जो तृतीय कर्म है कि जी जितने उनके डॉक्यूमेंट्स है जिनके उनका जो वाणी है वो इकट्ठा हो जाए, इन लोग याद रखे एवं उस अनुसार जीवन गठन करें। भावी जो प्रजन्म होगा उसके लिए एक परंपरा सृष्टि करें। ये सब इंस्ट्रक्शंस नरेंद्र कर दिया है, लेकिन अगर साधारणतः ये जो विवरण दे सके तो इतने अनावश्यक व्यक्ति का जो उनका बात आवागमन को कोई विराम नहीं है, नाना प्रकार के उद्देश्य लेके आ रहे हैं। तो पहले जैसे बीमारी का सूत्रपात हुआ वैसे ही उनके जो बहिरंग भक्त है जो मतलब से आते हैं वो दूर हो गए। तो उनके पास दो किस्म का व्यक्ति आते थे, एक जो उनको प्यार करते थे और दूसरा कुछ पाने के लिए आते थे। कुछ भी कमियां है, दुख है, कुछ समस्या है, कुछ प्राप्ति है, तो
या निदान वो उनको पसंद है, भजन सुनने के लिए आते, कुछ पाने के लिए आते थे, और दूसरा है उनको प्यार करने के लिए आते हैं। जहाँ प्यार है वहाँ पर व्यापार नहीं है। When there is any motive behind the relation, that is not a loving relation. ठाकुर जो उनको प्यार करने वाला है उसको अलग करने के लिए ये व्याधि का कारण है, क्योंकि वो व्याधि देख का प्रकोप देखते हुए जो श्री राम कृष्ण का जो कष्ट है वो कष्ट उन लोग अनुभव करेंगे। इसको सहानुभूति कहलाता है, सह अनुभूति। तो सहानुभूति से इन लोग पीड़ित है। इन लोग का बीमारी नहीं है, लेकिन ठाकुर का बीमारी है। ठाकुर उनके इतना प्यारा है जो उनको भी ये कष्ट से वो भी बड़ा पीड़ित है। और कैसे श्री ठाकुर का आराम हो इसके लिए अपने जीवन नियोजित करने चाहते हैं। तो ये सब व्यक्ति को अलग करने के लिए ठाकुर का, तो धीरे धीरे हम देखते हैं जो त्यागी भक्त उनके पास आना और जल्दी और ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि ठाकुर का अभी संकट समय है, इन लोग को सेवा करने के लिए और भी उत्साह है। एवं जीवन पात करके सेवा किया। ठाकुर ने कभी कभी कहा करते, तुम लोग थोड़ा विश्राम लो, इतना हम तो थोड़ा बहुत अच्छा हूँ, लेकिन उन लोग सुना नहीं। राउंड द क्लॉक दे वेंट ऑन गिविंग द पेंस टेकिंग सर्विस टू श्री रामकृष्ण। उन लोग कपड़ ही नहीं थे, उनको पैसा वैसा नहीं था, खाली श्रम दे के उनका सहानुभूति दे के श्री रामकृष्ण को सेवा किया। पक्षांतर में जो अंतरंग गृह भक्त है वो भी ठाकुर के पास आके उनको सेवा करते, आर्थिक हो अन्य रूप से हो, जो डॉक्टर है उनको जो चिकित्सा सेवा देते हुए ठाकुर को सेवा किया। तो ये वो अंतरंग। और जो बहिरंग है जो को मतलब से आने चाहते थे, वो अभी इस समय अलग हो गया। उन्होंने देखा अरे ये व्यक्ति तो स्वयं पीड़ित है, वो दूसरे को क्या मदद करेंगे। हिमसेल्फ कैनॉट क्योर दिस डिजीज, व्हाट कैन ही डू फॉर अस। इसी मनोभाव अपन जो व्यक्ति है वो अपने आप अपने को हटा दिया। तो श्री रामकृष्ण को अलग नहीं करना पड़ा, उनका बीमारी ही इन लोग को अलग कर दिया। जो मंदमती है, जो कुछ मतलबबाज है, वो अपने आप अपने को अलग कर दिया। देखिए यहाँ पर नाने से फ़ायदा नहीं है। दे ऑलवेज कैलकुलेट द कॉज बेनिफिट। तो लेकिन यहाँ पर कोई हिसाब नहीं है, सिर्फ भगवान को आरोग्य के लिए ही कामना कर रहे हैं और कुछ नहीं है। दे डोंट वांट एनीथिंग, दे जस्ट वांट ठाकुर ठीक हो जाए, वो उनका आराम हो जाए। और इसीलिए डॉक्टर को बुलाना, जो कुछ पत्थर करना है, फिर माँ को बुलाया, सब आदमी जान लगा के ठाकुर की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो भावी जो उनका संप्रदाय है उसका शुरुआत नींव यहाँ पर ही पतन हुआ। वो रहते हुए उनके भावी संगठन का जो ज़मीन प्रस्तुत करके गया, उसका नींव जिस फाउंडेशन है उसका श्री रामकृष्ण ने स्वयं गठन कर दिया, ताकि वो भावी प्रजन्म में एक मजबूत संघ का रूप में आखिर के दिन में परिचालित हो सके। और इसको नेतृत्व में नरेंद्रनाथ को दे दिया। नरेंद्रनाथ को व्यक्तिगत रूप से अनेक शिक्षा दिया, फिर संघ परिचालन करने के लिए भी अनेक सूत्र दिया, लेकिन संघ चालन करने के लिए कौन उसको साथ रहेगा उन्हीं को चुनने के लिए, निर्वाचन करने के लिए ये अच्छी बीमारी है। सो बीमारी देख के अनेक व्यक्ति है जो हम लोग जीवनी में देखते हैं, पहले कम आते थे, बीमारी को देखते हुए लोग और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आने चाहा। एवं इसके लिए उनका स्थानांतरण भी किया, ताकि घर में रहते हुए भी इन लोग बारम्बार आ सके। दक्षिणेश्वर में आना जाना बड़ा मुश्किल था उस जमाना में, इसलिए स्वयं अपना स्थान उठाकर इतना कष्ट करके जो शैम्पू गुड हो, काशीपुर हो, जो भी होता था, कहाँ दक्षिणेश्वर में इतना खुला सुंदर वातावरण है, यहाँ पर शैम्पूर का शहर के भीतर ही छोटी सी मकान आपने को समझ लिया, फिर काशीपुर में आया, ये किया, इतना कष्ट किया, कलकत्ता के नज़दीक में आ गया ताकि भक्तगण उनको पास आ सके। अंतरंगन को निर्वाचन और सहज हो जाए, इन लोग बारंबार आ सके एवं ठाकुर को सेवा करते हुए एक
बहाना जैसा सेवा करते हुए अपने को संघबद्ध करें। इस बीच में और एक चीज़ देखते हैं, इन लोग का बीच में भी एक अद्भुत प्यार का रिश्ता बन गया। दैट इज दी वो मेन फोर्स ऑफ द रामकृष्ण मूवमेंट। जो बारंबार इनका आंतरिक पार्षदगण कहते थे कि प्रेम ही हमारा संघ का मूल शक्ति है। संघ में जो व्यक्ति है, संघबद्ध है, इन लोग के बीच में, स्वामी प्रेमानंद जी कहा था कि तुम लोग का बीच में ये जो प्रेम है, प्रेम का रिश्ता है, जितना दिन रहेगा ये संघ टूट रहेगा। तो ये प्रेम है श्री राम कृष्ण के प्रति। प्रेम श्री राम कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो प्यार है, जो आकर्षण है, वो इसके बारे इसको आकर्षण से इन लोग एक साथ जुटे थे। एंड दैट इज़ दे आर कम्बाइनिंग दैट एडिसिव फोर्स, इनको इकट्ठा करके रखे थे, इसको श्री रामकृष्ण बढ़ाने के लिए अपना बेमानी का एक बहाना किया था, ऐसी माना जाता है। इस प्रसंग को अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।